पटना में छठ महापर्व के साथ वर्ल्ड कप फाइनल का संगम, बढ़ती महिला टीम इंडिया की जीत के लिए छठी मैया से कर रही है प्रार्थना। आज डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, छठी व्रती भगवान भास्कर की करेंगे उपासना, कल संपन्न होगा आस्था का महापर्व। छठ पूजा के अवसर पर बिहार के पटना में घाट पे दिखी लोगों की भारी भीड़। आज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप महामुकाबला को लेकर पटना के क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा है, वीडियो आया सामने। ईशान किशन के पिता ने भारत की जीत के लिए की छठी मैया से प्रार्थना, बोले इंडिया को हरा पाना असंभव। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा छठ पूजा के बाद विभिन्न प्रदेशों से आए यात्रियों की वापसी के लिए 20 और 21 नवंबर को स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। बिहार को विशेष दर्जे की मांग पर नीतीश कुमार पर भड़के सुशील मोदी, कहा खुद शिक्षकों को वेतन नहीं दे रहे और लोगों का ध्यान भटका रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों ने छोड़ा रॉकेट, टीचर के गले में जाकर फंसा, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में टीचर की गई जान। वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में उत्साह, भारत के पास तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका। छठ पूजा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, बक्सर में छठ घाटों पर पर्व को लेकर हुई तैयारी। बिहार के मुंगेर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, भाजपा नेता सहित 7 घायल, पुरानी रंजिश में हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। मोहम्मद समी के गांव में भारत व ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच देखने के लिए भारी संख्या में जुटे लोग। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए रोहतास के लोगों ने किया हवन पूजन। धनबाद में हत्या के आरोपियों को ले जाने के दौरान हुआ हंगामा, देवघर में साइबर थाना पुलिस ने कसी कमर, अब तक कई अपराधियों को हो चुकी है गिरफ्तारी। ट्रक और पिकअप के बीच टक्कर, चालक और खलासी जख्मी, बंगाल से केला लोडकर सुल्तानगंज जा रहे थे, एक घंटे तक जाम रहा सड़क।